जय हिंद दोस्तों, जीतने की कला आर्ट विनर यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगेन मैं बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आया हूँ, बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में आज हम बात करने यस वाले हैं, सर, यानी कि हम आज समझने वाले हैं बायर सेलर ऑपरेशंस के बारे में। बायर सेलर ऑपरेशंस का मतलब ये हो गया कि यार देखो, हर चीज में जो ट्रेडिंग है तो ट्रेडिंग भी एक ऑपरेशंस है। मान लीजिए ऊपर गिरती नीचे जाती, तो इसमें भी ऑपरेशंस होते रहते हैं, बायर सेलर ऑपरेशंस होते हैं, उसके हिसाब से मार्केट चलती है। ठीक है, अब इसके बीच में जो आपका इमोशनल माइंडसेट है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, फिर आपकी शक्ल कैसे हो जाती है। देखिए दोस्तों, बहुत ही मेहनत से मैंने गूगल से इसको निकाला है, ये देखो ये हो गया। ठीक है, तो दोस्तों देखो, अगर आप इमोशनल माइंडसेट में कोई भी होगा ट्रेडर, तो उसका जो रिएक्शन होगा, यानी कि जो उसकी शक्ल होगी, तो उसके ऊपर एक्सप्रेशन कैसे होंगे, इस तरह से होंगे। देखो बेचारा कितना इरिटेट है, मतलब लगता है पूरा एकदम भरा चिड़ा बैठा हुआ आदमी। ये है रियलिटी आप ट्रेडर, मतलब सोचो मैंने कितनी अच्छी इमेज पिक की है, और किसी बेसिकली एक तो मैं यार कमेंट नहीं कर रहा हूँ। ये ज्यादातर क्या मतलब, जब इमोशनल माइंडसेट में रहोगे तो भाई यार ये जो समस्या रहेगी ना यार, इसमें बुरा मानने वाली कोई जैसी बात भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं मजाक उड़ा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि टॉपिक आपको समझ में आए कि मैं क्या कहने वाला हूँ। अगर हम बायर सेलर ऑपरेशंस को समझ लेते हैं, और बायर सेलर ऑपरेशन समझ लेने से रैंडम ट्रेडिंग भी हम नहीं करेंगे, क्योंकि वैलिडेशन भी रैंडम ट्रेडिंग में काम नहीं करता। लेकिन अगर हमने बायर सेलर ऑपरेशन या सेंटिमेंट को ट्रैक नहीं किया, तो मार्केट वहां पे हो सकता है उल्टा चली जाए। तो वैलिडेशन या प्राइस एक्शन या मतलब दो तीन चीजों को मिक्स करके ना एक कंप्लीट सोल्यूशन निकाल सकते हैं। वैलिडेशन काम करता, मार्केट भाग रही तो आपको पता है कि भाग रही। हाँ, वैलिडेशन में सबसे बिग जो मुझे बेनिफिट लगता है वो ये लगता है कि यार ये पता चल जाता है कि भाई यहाँ तक रुक गई, एक तो ये बात होगी। दूसरी, अगर आपके अपोजिट गई तो तुरंत निकल गए। लेकिन अब ये समस्या होती है कि भाई हर जगह एंट्री लेंगे, वैलिड होगा हर जगह एंट्री लेंगे, तो ऑल ओवर ब्रोकरेज ज़्यादा हो रहा, स्काल्पिंग भी बहुत ज़्यादा हो रहा, तो वो सारे कॉन्फ्लिक्ट खत्म करना पड़ेगा। एक्चुअल ट्रेडिंग का जो स्वरूप है वो हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि यार एक्चुअल नेचर क्या ट्रेडिंग का है, और उसके साथ हम कैसे बिल्कुल सिंपली कनेक्ट कर सकते। तो बस दोस्तों, इन्हीं चार चीज़ों को आज मैं बताऊंगा, और बिल्कुल आसान एकदम कैजुअल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। बायर क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, तो ये चीज़ चार्ट में आपको देखते रहना है, उसके अगेंस्ट सेलर का भी देखते रहना है, और बायर किस पॉइंट पे आएंगे और सेलर किस पॉइंट पे आएंगे, तो इन चार चीज़ों का आप लोग देख लो बस। उसके बाद जो ये सब इधर उधर की वेबसाइट और ये सारी चीज़ें विजिट करते हो, सब बकवास चीज़ें हैं। क्योंकि आपको मैं एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूँ, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। आप देख लो, जितने भी प्रोफेशनल्स ट्रेडर हैं उनके अंदर सिर्फ स्किल किस बात की है, वो प्राइस एक्शन को देखते हैं, वैल्यूम को देखते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखते हैं। इसके अलावा बताओ कोई प्रोफेशनल ट्रेडर कुछ और यूज़ करता है, आप एक भी एग्जाम्पल देना कमेंट करके। नहीं ना, क्योंकि उनको पता है ना कि वो बायर सेलर ऑपरेशंस को समझ रहा है, कहाँ पे सेलर एसएल हंटिंग होगी, क्या होगा, कहाँ मार्केट नीचे गिरेगी, उसने अपने लेवल अपने दिमाग में रख लिया। उसके बाद अब वहाँ पे लेवल ब्रेकआउट होने पे अगर वैलिडेशन होता है या कुछ इस तरह से होता है, तो यार सफलता मिलेगी। अभी ऐसे नहीं है कि हम बिल्कुल भी ऑपरेशंस को समझे नहीं, अब यहाँ पे मार्केट भागी हमने बाय कर लिया, तो यहाँ पे वैलिडेशन भी गलत हो सकता है, क्योंकि वैलिड भी हुआ और यहाँ पे आपका मार्केट भागा, लेकिन उसके बाद मार्केट उसके अगेंस्ट चला गया। तो यहाँ पे अगर हम ऑपरेशंस पे बात करें, जैसे मैंने अपने स्टूडेंट को सेंटिमेंट पढ़ा रखा है कि भाई आप सेंटिमेंट को पहले ट्रैक करो, उसके हिसाब से पुल बैक्स को लो, तो उसमें क्या होता है, स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है। वैलिडेशन का फायदा ये है कि स्टॉप लॉस आपको पता चल जाएगा, मार्केट कहाँ से गिरेगी कहाँ से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये है कि ट्रेडिंग में जो आप लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हो ना, आरएसआई लगा रहे हो, मूविंग एवरेज लगा रहे हो, पता नहीं क्या क्या सब यूज़ कर रहे हो, तो यार ये सब नाटक बंद कर दो, बिल्कुल भी फायदा नहीं होने वाला। यार जब मैं आपको, अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको लगता है कि मेरे अंदर कुछ भी समझ है ट्रेडिंग की, तो क्या मैं यार झूठ बोल रहा हूँ? तो इसलिए सीधी सी बात है यार, कोई मजाक वाली बात थोड़ी चल रही है ना, आपकी ज़िंदगी का सवाल है, तो हम यहाँ पे आपको सही ही बात बताएंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि मतलब सिंपल करो, बिल्कुल सिंपल करो, चार तीन चीज़ें मैं बताऊंगा, उसी प्रैक्टिस करो और प्रॉफिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों अब अगर मान लीजिए किसी को प्रॉफिट चाहिए, एक ट्रेडर को प्रॉफिट चाहिए, मान लीजिए हमको ही प्रॉफिट बनाना है, तो अगर हम प्राइस कब बढ़ेगा ये जानना जरूरी है कि नहीं, आप लोग ही बताओ। मैं कैजुअल टॉक कर रहा हूँ कि अगर मार्केट में प्राइस कब बढ़ेगा, आप एज ए बायर आपको ये जानना, तो ये इंपॉर्टेंट टूल है आपका, आपको ये पता ही होना चाहिए कब बढ़ेगा, तभी तो आप बाय करोगे भागेगा। ये भी पता होना चाहिए कि भाई कब गिरेगा, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट टूल हैं एज ए ट्रेडर। तो इसके लिए आपको कब भागेगा ये समस्या की जो ये है, ये मान लीजिए आपका गोल है कि मार्केट कब भागेगा, ठीक है, यानी कि प्राइस कब बढ़ेगा, इसको मान लीजिए हम क्वेश्चन मार्क लगा दिए, तो इसका सलूशन क्या है, वो सलूशन मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपकी गहराई बुद्धि में बैठ जाएगा तो ये वीडियो आपको ट्रेडर बना देगा। देखिए, जब डिमांड से ज़्यादा सप्लाई, यानी सॉरी, जब डिमांड ज़्यादा होगी और उसके विपरीत सप्लाई कम होगी, तो ही प्राइस बढ़ेगा। तो ही प्राइस बढ़ने का मतलब है कि सिर्फ सिंगल ओनली वन कंडीशन, तो आप अपने दिमाग में गहराई में बैठा लो कि यार प्राइस कब बढ़ेगा, जब डिमांड ज़्यादा होगी और उसके विपरीत सप्लाई कम होगी, यानी कि उसके अगेंस्ट सप्लाई कम होगी, यानी कि सेलर्स नहीं होंगे, राइट।
तो ही प्राइस बढ़ेगा, तो और किसी कंडीशन में प्राइस नहीं बढ़ेगा। तो यार जहाँ पे घुस जाते हो हर जगह, यहाँ बाई कर लिया। तो यार ट्रेडिंग के महारथियों, सूरवीरों, थोड़ा सा इस वीडियो को समझो कि यार हर जगह बाय सेल करने से मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। वैलिडेशन भी हर जगह अलाउ नहीं करता, इसलिए मैं अपने स्टूडेंट को सेंटिमेंट वगैरह पढ़ा देता हूँ कि भाई आप सेंटिमेंट को ट्रैक करो, फिर वैलिडेशन अप्लाई करो। तो ये चीज़ें होती हैं। तो कंडीशन आपको ये समझ में आ गई कि प्राइस कब बढ़ने वाला है, जब सप्लाई कम होगी। अब सप्लाई कम होगी ये चार्ट में देखना आपका काम है, मार्केट तो आपको बताएगी नहीं कि हम सप्लाई कम कैसे होंगे, तो वो तरीका हम आगे बताएंगे। अब ये बात करते हैं डिमांड कब ज़्यादा होगी, जब हो रही सप्लाई बंद हो जाए। अब तीनों चीज़ों को मैं देखो बहुत सिंपल समझा रहा हूँ, यहाँ पे समझिए। मान लीजिए कि ये है डिमांड और ये है सप्लाई और ये है प्राइस, तीनों चीज़ें मान लीजिए बराबर हैं, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए डिमांड ज़्यादा होगी, यानी कि डिमांड बढ़ रही होगी और सप्लाई बंद हो जाए या थोड़ी थोड़ी हो जाए, तो ही प्राइस तो बढ़ेगा, राइट। इसके अलावा किसी भी कंडीशन में नहीं बढ़ेगा ना, इसका मतलब तो ये हुआ। दूसरा मैं बोल रहा हूँ, दूसरा मैं क्या बोल रहा हूँ कि डिमांड और सप्लाई और मतलब प्राइस तीनों चीज़ें बराबर हैं। तो दूसरी मैं बात बोल रहा हूँ कि डिमांड इंक्रीज कब होगी, ये डिमांड इसमें कब इंक्रीज होगी, जब यहाँ पे हो रही सप्लाई बंद हो जाए या रुक जाए, ठीक है। तो वो बात वही है। तो इस चीज को आपको समझ में आ गया कि मार्केट तभी भागेगी जब इसमें सप्लाई का मतलब सेलर ना हो या बिल्कुल न्यूट्रल हो, उसके अलावा किसी भी कंडीशन में नहीं भागेगी, सीधी सी बात का मतलब है। चलो आगे समझाते हैं। तो यहाँ पे अब ये समझना होगा कि प्राइस कब घटेगा, जब डिमांड कम होगी और उसके विपरीत सप्लाई ज्यादा होगी तो ही प्राइस घटेगा। यानी कि इसकी भी ओनली वन कंडीशन है कि भैया कब गिरोगे, जब मान लीजिए डिमांड कम होगी, यानी कि खरीदने वाला कोई नहीं है और उसके विपरीत बेचने वाले ज्यादा हैं, तो ही प्राइस गिरेगी, इसके बाद नहीं गिरेगी। तो आप जब सेल करो तो आपको ये आपका फर्ज है कि भाई आप देखो उसमें कि डिमांड सप्लाई में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, चार्ट में क्या हो रहा है, तो वो चीज़ें आपको समझो, फिर उस हिसाब से ट्रेड लोगे। तो इस चीज़ में क्या होगा कि सप्लाई ज़्यादा कब होगी, जब हो रही डिमांड बंद हो जाए या रुक जाए, ठीक है। तो ये उसके जस्ट उल्टा है। अब इसको यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा मैं गहराई का लिया हूँ, हो सकता है समझ में कुछ लोगों को कम आ रहा हो, तो उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्राइस कब गिरेगा, मान लीजिए कि ये डिमांड सप्लाई तीनों चीज़ें मान लीजिए एक साथ में है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि प्राइस कब गिरेगा, जब आपकी जो डिमांड है वो एकदम रुक जाए, ठीक है। जैसे ये डिमांड है और इस कर्व पे रुक गई और उसके बाद सप्लाई जारी हो गई, तो प्राइस नेचुरली नहीं बढ़ेगा, तो प्राइस यहाँ से फिर गिरेगा ना, क्योंकि जब खरीदने वाले नहीं हैं और ज़्यादा से मान लीजिए सप्लाई ज़्यादा हो रही तो प्राइस गिरेगा। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पे इस तरीके से समझ लेना है कि जब डिमांड कम होगी, यानी कि ऊपर बायर ले जाने के लिए नहीं होंगे, उसके विपरीत सेलर ज़्यादा होंगे, तो ही प्राइस गिरेगा। अब ये है कि अब ये भी खोजना पड़ेगा कि सप्लाई ज़्यादा कब होगी, सप्लाई ज़्यादा कब होगी, जब हो रही डिमांड बंद हो जाए। मान लीजिए मार्केट भागी 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 और डिमांड बंद हो गई, तो जब डिमांड बंद हो गई या डिमांड रुक गई तो ही सप्लाई ज़्यादा हो सकती है। तो यानी कि हमें हर जगह सेल करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो जहाँ से डिमांड सप्लाई स्टार्ट हो या जहाँ पे वो एसएल हंटिंग करे वहीं से ट्रेड बनाना चाहिए। तो इट्स सिंपल वे टू अर्न, कि आपको एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा। अब मैं बात आगे करता हूँ। अब दो चीज़ें देखो, अब मैं धीरे धीरे टॉपिक को एक माहौल बना रहा हूँ आपके दिमाग में। सबसे पहले मैंने क्या डाला कि यार दिमाग में चार चीज़ें डाल लो, इसी से प्रॉफिट आ जाएगा आसानी से। इसको इसमें बहुत सारी चीज़ें भी आगे एड ऑन करेंगे। फिर हमने आपको दो चीज़ें बता दी, ये दो चीज़ें यूनिवर्सल हैं, क्योंकि प्राइस तभी बढ़ेगा और प्राइस तभी घटेगा। तो ये दो चीज़ें, अब मुद्दा ये दो चीज़ें चार्ट में कैसे देखेंगे वो वीडियो के आगे बताएंगे। अब यहाँ पे मैंने देखिए एक यहाँ पे एग्जांपल दिया था इस चीज़ को समझाने के लिए कि एक अनार और 100 बीमार, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक, ठीक, और इसके अंगेंस्ट में कितने बीमार, 100। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे डिमांड कितनी हो गई, बहुत ज़्यादा ना, और उसके अकॉर्डिंग सप्लाई कितना, 1% है। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि इस 1 रुपये की कीमत 100 रुपया चली जाए, बात सिंपल है, आपको समझ जानी चाहिए। अब यहाँ पे अगर इसको उल्टा कर दूँ, मान लीजिए यहाँ पे 100 जैसे मान लीजिए कि अनार हो गए और उसके उसके अगेंस्ट में एक ही बायर है, तो यार जब 100 अनार हैं एक आदमी लेके क्या करेगा, वो सोचेगा मुझे तो एक ही दो की ज़रूरत है, तो नेचुरली 100 रुपये की चीज़ 1 रुपये पे या 2 रुपये पे आ जाएगी। वो जब कोई लेने वाला नहीं है तो फिर भाई उसको घटना ही पड़ेगा। तो यार ये एकदम बहुत सिंपल और बहुत इफेक्टिव प्रिंसिपल है, और हो सकता है कि मैंने बहुत डीप चीज़ आपको समझाया। स्टार्टिंग बताया ना ट्रेड ऑपरेशन, मार्केट कैसे चलती है, ऊपर नीचे क्यों करती है, आपको लगता होगा कि ऐसे जाती है और हम लोग टेक्निकल चक्कर में बहुत बर्बाद होते हैं। देखो टेक्निकल मैं भी यूज़ करता हूँ, टेक्निकल को एक सपोर्ट एलिमेंट मांगो बस वहीं तक ठीक है, बाकी तो आप माइंड सेट और साइकोलॉजी पर ही ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ट्रेड ऑपरेशन, फाइंड योर एनिमी एंड किल हिम, यानी अपने दुश्मनों को ढूंढो और मार दो, यही है मार्केट का काला सच। कैसे,
जैसे मान लीजिए मार्केट खुली, ठीक है, और ये ओपन हुई और ऊपर जा रही है, फिर थोड़ा नीचे आई, फिर ऊपर थोड़ा गई, फिर नीचे आ रही, तो आप बताइए क्या ऑपरेशन चल रहा है? बाइंग ऑपरेशन, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। जब यहाँ पे पर्याप्त तो बायर इकट्ठा हो गए, मतलब मान लीजिए कि 1000 लोग पार्टिसिपेट कर लिए और उनको ये होप हो गई कि मार्केट में मुझे अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, तब यह कहीं पर स्टॉपेज लेगा, ठीक है। क्योंकि अब इसके बाद में क्या होगा, जैसे मैंने पढ़ाया ना कि अब बायर रुक जाएं या कम हो जाएं, उसके बाद सेलिंग ऑपरेशन शुरू हो, तो यहाँ पे बायर रुक गए और उसके बाद सेलिंग ऑपरेशन शुरू होगा। अब सेलिंग ऑपरेशन शुरू होगा तो जैसे बाइंग ऑपरेशन बहुत धीरे 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 चलेगा, क्योंकि बायर जो है तो बहुत धीरे धीरे बाय करेंगे, ऐसा नहीं कि एक साथ बाय करेंगे। लेकिन जब सेलिंग ऑपरेशन होगा तो एकदम से ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट नहीं करेगा मतलब नीचे चलेगा, और वो सीधे 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 स्पीडली आएगा, सीधे यहाँ पे आके स्पीडली आएगा और इस लेवल को ब्रेक करेगा, राइट। अब देखिए क्या हुआ साइकोलॉजिकली कि जितने बायर थे उनका यहाँ पे एसएल हंटिंग हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, जो सेलर्स मार्केट में बैठे थे उन्होंने ब्रेकआउट होते ही धड़ाधड़ सेलिंग करना शुरू कर दिया, राइट, क्योंकि उनको ये लगा कि अब चलो वन डे का लो ब्रेक किया, अब सेलिंग हो गया, ओके। अब मार्केट क्या करेगा, थोड़ा सा ब्रेकआउट करने के बाद सस्टेन करेगा और वापस जा करके ये रैंडम ट्रेडिंग वाले ही हैं, क्योंकि इनका कोई यहाँ प्लान नहीं था, इन्होंने देखा ब्रेकआउट किया, चलो मार दो सेलिंग कर दो, राइट। अब इन रैंडम ट्रेडिंग, आप लोग बोलते ना यार जब ट्रेड लेते हैं स्टॉप लॉस होता क्यों होता है वो समझो, अब रैंडम ट्रेडिंग वाले यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, उसके बाद मार्केट इनको फिल्टर करेगी और इस लेवल तक जाएगी वापस। क्यों जाएगी, क्योंकि जो ये रैंडम ट्रेडर हैं उनको मार्केट प्रॉफिट नहीं देना चाहती है और वो घबराहट में इतने में ही अपना लॉस भी बुक कर लेंगे, ये भी मार्केट जानती है, तो इनको भी हटाएगी। मार्केट का काम क्या है, काला सच क्या है, वो मैं समझा रहा हूँ और इसको आगे थोड़ा समझो। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से गिरना शुरू करेगी तो फिर इस लोअर लो को पार्टिसिपेट करेगी, क्योंकि यहाँ पे खेला क्या हो गया कि इस जो ये वाला एरिया है इसमें रैंडम बायर आ गया, देखो गेम क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे रैंडम सेलर मरा, यहाँ पे रैंडम बायर मरा। मैंने पहले ही एक दो वीडियो में बोल दिया भैया रैंडम ट्रेडिंग नहीं सही है, क्योंकि नहीं सही है, 10 साल 15 साल 20 साल बिताने के बाद आपको चाहे समझ में आए नहीं सही है, सेटअप बनाना ही पड़ेगा। हमारी ट्रेनिंग ले लो, किसी की ट्रेनिंग ले लो, मेरे स्टूडेंट ने मैंने बताया भैया पुल बैक पे ट्रेडिंग करो, अब रैंडम घुसे अगर कहीं तो फिर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मार्केट है कुछ भी हो सकता है, ओके। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे रैंडम बायर आया, उसको भी मार्केट क्रैश करेगी, रैंडम वालों को प्रॉफिट होता नहीं, इसलिए आप सोचो क्यों 99% लॉस करते हैं। फिर वहाँ पे जब बायर नहीं रहेगा तो फिर ये लोअर लो मरेगी, तो फिर यहाँ पे लोग पार्टिसिपेट करेंगे और उसके बाद में क्या होगा कि ये बायर का जो लोअर लो का एसएल है ये भी मरेगा, तो मार्केट उसके बाद में किसी भी जोन में जा सकती है, ऐसा नहीं कंटिन्यूअसली गिरेगी, मतलब कुछ भी हो सकता है एक्स वाई जेड। मैंने एक कंडीशन समझा दी, डब्ल्यू पैटर्न बन जाए, एन पैटर्न बन जाए, सपोर्ट ले ले, ऊपर चली जाए, तो वो ऑपरेशंस आगे आगे इसी तरह से ट्रैक करते रहने पड़ेंगे, हर ऑपरेशंस पे नज़र रखनी पड़ेगी कि इनका प्राइमरी गोल क्या है और ये एसएल हंटिंग कहाँ चाहते हैं। दुश्मन को मारो, फाइंड योर एनिमी एंड किल हिम का मतलब क्या, अपने दुश्मनों को ढूंढो और मार दो। मार्केट में बायर सेलर का दुश्मन, सेलर बायर का दुश्मन, तो आप इसको इस तरह से सीधी बात समझो कि अगर मार्केट में ओपन हुआ और बायर आ रहे हैं, ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ पे बीच बीच में प्रॉफिट बन सकता है, नो दैट, लेकिन क्या होगा कि आप अगर वो मोमेंटम स्टार्ट हुआ तो आप ये समझो ना कि इस लेवल तक जाएगा, तो एज ए ट्रेडर हम क्या करेंगे कि अगर इसमें हम पार्टिसिपेट नहीं भी कर पाए तो हमको जब यहाँ पे हमारा वैलिडेशन या कुछ काम किया तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, क्योंकि आई एक्सपेक्टेड मार्केट यहाँ तक आएगी। और ये चीज़ अभी मैं चार्ट में दिखाऊंगा तो आप शॉक्ड रह जाओगे कि कितना सिंपल मार्केट चल रही है और आप क्या क्या दिमाग लगा रहे हो बिना मतलब वाला, राइट। तो ये अगर लोअर लो तोड़ेगी, फिर सेलर आएंगे रैंडम, उनको हटाएगी, रैंडम बायर को हटाएगी, फिर लोअर लो तोड़ेगी। उसके बाद में जैसे मार्केट में मान लीजिए एक कंसोलिडेशन पीरियड आ गया कि मार्केट गिरी, रैंडम लोगों को हटा रही है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और वो मान लीजिए न्यूट्रल हो गई, उसके बाद में मार्केट थोड़ा ब्रेकआउट दिया और धीरे धीरे करके ऊपर चली गई, तो ये क्या सारे हैं, ये हर एक पुल बैक हर एक ट्रेडिंग ऑपरेशंस हैं। यहाँ पे उद्देश्य क्या है कि अगर मार्केट मान लीजिए इस तरह से चल रही है तो आप सोचो कि अगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो इट इज़ सो गुड, क्योंकि आपको ये बिग टारगेट मिलेगा इमीडिएटली, राइट। अब मान लीजिए कि मार्केट सुबह उठी खुली और उसके बाद सेलिंग सेंटीमेंट में चल रही, इस तरह से कंसोलिडेट हो रही और उसके बाद में एक अचानक से ऊपर का मूवमेंट मिले, तो आप समझ जाना कि ये स्टॉप लॉस खाएगी, क्योंकि मार्केट का दुश्मन उसका स्टॉप लॉस ही है। यानी कि जो ऑपरेशंस हैं, जो ऑपरेटर हैं, वो पार्टिसिपेट करके एसएल हंटिंग कराते हैं, ये रियलिटी है। तो आपको हर पुल बैक में एसएल हंटिंग और पार्टिसिपेशन आपको देखना पड़ेगा। तो मतलब जब यहाँ से भागा तो मुझे ये विश्वास हो गया कि यार अब जो है तो ये इस एरिया को ब्रेक करेगा, और इसको ब्रेक करते ही जो नए वायर आएंगे
क्योंकि रेंज के हिसाब से या ऑल इन ऑल बहुत सारी टेक्निक है, और जैसे बाहर आएंगे बस उसको फिर रैंडम लोगों को फिल्टर करेगा। तो एक बात यार मान लो, मेरे अभी एक स्टूडेंट ने कल मुझे मैसेज किया, ग्रीन कैंडल क्यों बनी हो, रेड कैंडल बनी पूरे दिन की तो गिर रहा। अरे यार मैंने पहले वीडियो में बताया, रेड बन रहा है उसके बाद ग्रीन भी बन सकता है, कुछ भी हो सकता, मतलब कुछ भी हो सकता, बस सिंपल सी बात है यार। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जो लाइव ऑपरेशन चल रहे हैं, अगर आप उनको ध्यान से देख पाओ कि मार्केट में कौन सा ऑपरेशन है, कहाँ पे एसएल हिंटिंग है, यानी एक शिकारी का शिकार क्या है। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए कि मार्केट भागी और यहाँ पे पोजीशन बनना शुरू हुई, बनना शुरू हुई, बनना शुरू हुई, और कुछ पोजीशन कटी, कुछ पोजीशन बनना शुरू हुई, तो जैसे एक मधुमक्खी का छाता नहीं लगता कि वह उसमें सब इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है, तो ये इनसाइडर का माल इकट्ठा हो रहा है, समझो बस इस तरह समझो, राइट। ऑपरेशंस मतलब ये बन रहा है। उसके बाद क्या होगा, जब एसएल हिंटिंग शुरू होगी तो क्या होगा कि वो पैनिक होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि बायर नहीं होगा ना यार। पहले मैंने प्राइमरी प्रिंसिपल बताया, अब यहाँ पे बायर तो थक चुके हैं, तो ऊपर ले जाने वाला कोई होता नहीं है, और नीचे ये सेलर यहाँ पे इनको नए मिल जाएंगे जब मार्केट गिरेगी, तो उन सेलर को यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे, लेकिन वो इतना ज्यादा स्पीडली लाएंगे कि कुछ सेलर आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, लेकिन वो एसएल हंटिंग यहाँ पे करा ही देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इस बात को आपको समझना होगा कि जब कहीं पे कोई मोमेंटम हो रहा है या कोई मूव बन रहा है या कोई ये चीज चल रही है, तो उसमें पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, आप वेट करो, मान लीजिए गिर रही है और यहाँ से मोमेंटम हुआ तो ये पॉसिबिलिटी है कि ये आपका टारगेट दे देगा, राइट। या ऊपर से मान लीजिए ऊपर ऐसे ऐसे चल रही है और ऊपर ऐसे जाने का एकदम 100% मूड बना ले, उसके बाद यहाँ से गिरना शुरू करे, तो आप समझो कि ये लोअर लो तोड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो आगे मैं डिस्कस करूंगा। या मान लीजिए कि जैसे कुछ और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए एक दिन मार्केट चली और उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट जो है तो यहाँ पे क्लोज हो गई। ठीक है, अब अगले दिन आपको क्या करना है कि जैसे मार्केट ओपन हुई और इधर की तरफ चल दिया, तो आप ये समझो कि ये वाला पोजीशन हटते ही बहुत सारे बायर आने वाले हैं, बिकॉज क्योंकि जितना मैक्सिमम स्टॉप लॉस है तो इस पॉइंट पे लगा हुआ है, और ये सारा एसएल और इस लेवल को ब्रेक करेगा तो और भी बड़ा ऑपरेटर यहाँ पे निकलेगा, राइट। क्योंकि अपने खिलाफ कोई बैठता नहीं, उनका एक भी व्यू पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि भाई यहाँ से हम निकल जाएंगे। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ कि अगर हम बाइंग अपॉर्चुनिटी इस एसएल हंटिंग के बाद ढूंढते हैं ना, तो हम लोग प्रॉफिट बना लेंगे, क्योंकि जब इनसाइडर जिस साइड में चले उसी साइड में बैठोगे तभी तो यार प्रॉफिट होगा ना। तो रिटेल की तरह सोचना बंद कर दो, रैंडम ट्रेडिंग बंद कर दो, कसम खा लो यार, कह दो कि यार यार फंड ही नहीं ऐड करेंगे, रैंडम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, सीधी सी बात है, राइट। क्योंकि इसमें बाय सेल बाय सेल बाय सेल बाय सेल मैंने ऑप्शन में बहुत सारा प्रयोग किया, बहुत सारी रैंडम ट्रेडिंग की तरह स्काल्पिंग की, लेकिन स्काल्पिंग में ब्रोकरेज साला जा रहा बहुत ज़्यादा, उसके हिसाब से प्रॉफिट नहीं आ रहा। अगर एक सही भी ऑप्शन में ट्रेड मिल जाता है ना, तो वो आपको इतना दे देगा ना प्रॉफिट की करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ट्रेडिंग को कॉन्सेंट्रेट करो, बिखराओ मत, रैंडम पे फोकस मत करो, स्काल्पिंग करो, स्काल्पिंग की मेच्योरिटी है, लेकिन ज़्यादातर फोकस आपका रहे कि सेंटीमेंट और इस चीज़ को ट्रैक करो। तो थोड़ा सा इसको आगे ऑपरेशन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक दिन का मैं ट्रेड ऑपरेशन इंट्राडे ट्रेड ऑपरेशन में यहाँ पे समझाने वाला हूँ, तो उसको मैं चार्ट में आपको समझाऊंगा। देखिए यहाँ पे जैसे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, बहुत ही सिंपल टॉपिक है लेकिन आपको बहुत ही प्रॉफिट देगा। देखिए नंबर वन पे यहाँ पे मार्केट ओपन हुई, मैं थोड़ा पेन दूसरे कलर का ले लेता हूँ, रेड ले लेता हूँ, दिखाई पड़ेगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ एक नंबर पे ओपन हुई और उसके बाद देखिए यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने लगी, तो ऑपरेशंस बाइंग में देखिए क्या हो रहा है कि मार्केट को बायर यहाँ पे मिल रहे हैं, ओपन होते ही मार्केट ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे बाय करने से बचना चाहिए। ठीक है, उसकी बहुत सारी कंडीशन पिछले दिन पे भी वैलिडेशन या पिछले दिन पे बहुत सारी चीज़ें लागू होती है, वो आगे बात करेंगे। लेकिन जैसे यहाँ पे बाय करके भागने लगा, तो जब यहाँ पे ये रुक के गिरेगा तो मैं ये श्योर हूँ कि इस लेवल को ब्रेक करेगा। तो जैसे मैंने अभी आपको पढ़ाया उसको यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, फिर चार्ट में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जैसे मार्केट ओपन हुई और ये भाग ले तो इसमें सारे बायर आ गए, जब बायर कहीं पर रुक गए जो प्रिंसिपल हमारा है, तो जब बायर रुक गए तो नेचुरली यहाँ पे अब आगे बायर ऊपर ले जाने के लिए अगर नहीं आएंगे तो सेलर यहाँ पे जैसे करेंगे तो जो बैठे हुए सेलर हैं वो भी सेलिंग की तरफ अटैक करेंगे, तो इनकी मात्रा भारी होगी, तो स्पीडली मार्केट आएगी और इनसाइडर आपका एसएल हंटिंग कराएगा। तो जब एसएल हंटिंग होगी तो नए जो सेलर और बैठे हैं ब्रेकआउट वाले वो भी सेल करेंगे, रैंडम सेलर भी आएगा, उसको लगेगा अरे यार पैसा बन रहा है, मार्केट गिर रही है, इतना गिर गई तो ले लूँ, और जैसे ही वो पार्टिसिपेट करेगा तो मार्केट उनको फिल्टर करने के लिए बैक करेगी। जब बैक करेगी तो रैंडम ट्रेडर निकलेगा और यहाँ पर रैंडम बायर फिर ट्रैप होगा, उस बायर को फिर एसएल हेल्टिंग करते हुए मार्केट नीचे जाएगी। आप अगर इसको बारीकी से ट्रैक करोगे तो भी मैं चार्ट में दिखाऊंगा तो आप कहोगे बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, जो रैंडम बायर आया उसको फिर एसएल हेल्टिंग किया, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद फिर बहुत सेलिंग हुई होगी, क्योंकि ऐसा नहीं है हजारों लाखों लोग ट्रेड करते हैं तो ट्रेड होता ही रहता है। उसके बाद जो भी सेलर इस एरिया में आए तो ये देखिए ले गए और प्रीवियस वाले का थोड़ा सा लो बैक कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना भी सेलर था यहाँ पे जो और जितने भी सेलर आए उनके फिर ऊपर ले जाके स्टॉप लॉस हिट हो गया।
और उसके बाद में जब स्टॉप लॉस यहाँ पे ये रेंज जैसे ब्रेक होगी, नए बायर आए होंगे उनको नीचे ला के फिर मार दिया और आप देखो नीचे मार्केट गिरती चली गई। अब इसमें आप देख रहे होगे अभी तो आप ऐसी मार्केट में कुछ नहीं देखोगे, लेकिन हम क्या देखेंगे, हम अब ये देखेंगे कि भाई ये भाग रहा है तो थोड़ा वेट करो, अगर सेलिंग मौका मिलता है तो यार यहाँ पे कर लो क्योंकि एसएल हंटिंग मिल जाएगी। इस तरीके से अगर गिर रहा है तो हम वेट करेंगे, अगर यहाँ से ये रिकवरी कर रहा है यहाँ पे पुलबैक्स में भी बाय कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे हम छोटा स्टॉप लॉस लगा के अगर ये लगेगा कि फास्ट अप मोमेंटम में तो कर सकते हैं स्कैल्पिंग, वो अलग बात है। लेकिन सच्चाई क्या ट्रेडिंग में कि अब इस मोमेंटम को जब उसने ब्रेक किया ना, जब सारे बायर फंस गए ना, उसी समय हमको सेल कर देना चाहिए। तो ये एकदम उल्टा काम करता है, आपकी सोच के उल्टा काम करता है, ठीक है। जैसे मार्केट भागा और जहाँ टॉप पे सारे बायर, मतलब मार्केट कैसे, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जैसे मार्केट ऐसे चलना शुरू हुआ और उसके बाद ये गिरने लगा तो क्या हुआ, सेलर निकल गए, लेकिन ये गिरेगा नहीं अभी, बिल्कुल नहीं गिरेगा क्योंकि इसको गिरने के लिए और भी पैसा चाहिए ना। उसके बाद क्या करेगा, इसका हायर स्पीडली तोड़ेगा। अब जब हायर तोड़ेगा, नए बार जैसे अटैक होंगे और आप भी वहीं पे ट्रैप होंगे और उसके बाद गिरेगा तो नहीं रुकेगा, फिर ये लोअर लो तोड़ देगा। तो ये जो पहला गिरता है ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, फर्स्ट मूवमेंट है कि नहीं, और उसके बाद जब दूसरा गिरता है तो वो लगभग रियल होता है। इसीलिए कहते हैं वो एम पैटर्न बनता है, आपको नाम याद आया होगा, उसी एम पैटर्न का मतलब है, क्योंकि हायर हाई तोड़ करके जब सारे बायर यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे जब सेलर बसते, बायर बसते नहीं, जब बायर नहीं होंगे तभी मार्केट गिरेगी ना यार। तो आप देखो ना चार्ट में कहाँ पे बायर नहीं है, कहाँ पे बायर ज्यादा है, कहाँ पे बायर कम है, कहाँ पे सेलर ज्यादा है। चलो आगे बढ़ाते टॉपिक। तो दोस्तों आप समझते हैं नेक्स्ट डे ऑपरेशन, नेक्स्ट डे ऑपरेशंस का मतलब है कि नेक्स्ट डे ट्रेड कैसे बनाएंगे, क्योंकि देखो जिस दिन ट्रेड ले रहे हो उसी से पूरा को सब कुछ समझ नहीं पाओगे, आपको एक दिन पहले का देखना पड़ेगा कि पहले लोगों ने पोजीशन कैसे बनाई, इनसाइडर ने पोजीशन कैसे बनाई होगी, उसके रिटेल के एसएल कहाँ पे होंगे। तो मार्केट ढूंढ ढूंढ के एसएल को खाती है, तो इसका मतलब ये है कि आप जैसे मान लीजिए इसी उसी दिन को, मान लीजिए मंडे है, मान लीजिए मंडे ज्यूम करके चलिए कि ये मंडे को ऐसे मार्केट चल गया, राइट। तो हमने क्या किया कि जो पॉइंट थे जहाँ पे बायर एक्टिवेट हुए, फिर सेलर एक्टिवेट हुए, फिर बायर एक्टिवेट हुए सेलर, उन पॉइंटों पे जैसे मैंने नंबर यहाँ पे डाला है तो उन्हीं पॉइंटों पे मैंने एक लाइन लगा ली। तो आपको क्या करना है, सिंपल ट्रेडिंग करने के लिए जितने भी पॉइंट इस तरह से बनेंगे उन सीधे सिंपल पॉइंट्स पे आप ऐसे नंबर लिख के लाइन लगा लो। मान लीजिए कि सोमवार को मंडे को आपने बैंक निफ्टी पे अप्लाई करो, चाहे क्रूड ऑयल पे करो, चाहे एमसीएक्स पे करो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, सब पे बहुत इफेक्टिव काम करेगा, राइट। तो आप क्या करो कि सारे पॉइंटों पे खींच लो। अब मैं आपको बताता हूँ कि मंडे के ऑपरेशन, अगले दिन के ऑपरेशंस कैसे होंगे, अब इनसाइडर क्या करेंगे, क्योंकि देखो जब इस पॉइंट पे है तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा होगा बड़े लोगों का, बात को ध्यान से समझना, उसके बाद सबसे हाईएस्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा होगा, इसके बाद मार्केट में सेलर नहीं रहेगा। अब मान लीजिए मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई है, अब ओपन कहाँ कहाँ होगी उसी सेंस में हमें मार्केट को ट्रैक करना। मान लीजिए कि मार्केट इस वाले लेवल में गैप अप खुलती है और इस वाले लेवल में ओपन होती है, ठीक है, लेवल हमने पहले से लगा लिया और ओपन हो करके और मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ चल देती है। मान लीजिए हमने बताया ना कि यहाँ पे सारे स्टॉप लॉस होंगे, तो मार्केट क्या करेगा कि यहाँ पे जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे मान लीजिए मैक्सिमम स्टॉप लॉस है तो यहाँ पे क्विक बाइंग होगी, राइट। तो हमें क्या करना है कि अगर इस तरह का जोन है, क्योंकि ये अगले दिन का ओपनिंग जोन है, अगर ये इसको यहाँ पे क्विकली ब्रेक करता है तो ये एसएल हंटिंग होगी, और अगर थोड़ा और बढ़ता है तो और बढ़ेगा, फिर इसके भी एसएल हंटिंग करेगा, यानी कि मार्केट ओपन होकर यहाँ जाएगा, ये दिमाग में बैठा लो। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि मान लीजिए कंडीशन देखो कोई भी हो सकती है, मैं आपको बस समझा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा कि आपको ये प्रैक्टिस कैसे करना। मान लीजिए यहीं क्लोज हुई और मार्केट मान लीजिए कि इसी के जस्ट ऊपर ओपन हो गई, तो फिर मार्केट यहाँ सेल हंटिंग करने के लिए नहीं आएगी, क्योंकि भैया जो ये सेलर है वो इतना 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 लंबा प्रॉफिट पा रहे कि वहां तक जाने से पहले अपना निपटा देंगे मामला। तो अब ये मार्केट क्या चाल बनाएगी, इनसाइडर क्या करेंगे, अब ये सोचेंगे कि यार ये यहाँ पे बंद है तो यार यहाँ पे सपोर्ट वपोर्ट लेके बाइंग क्रिएट करो, अब ये फेक बाइंग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब आप लोग सोचोगे कि यार ऊपर आएगी, अब जब ये फेक बाइंग क्रिएट करेंगे तो आपके दिमाग लगाना यार ये ऊपर जा रहे तो इसको खाने के लिए कहाँ स्टॉप लॉस ऊपर है, खाने के लिए स्टॉप लॉस यहाँ मिलेगा, तो यार इतना ऊपर क्यों ले जाएंगे इनसाइडर, तो वो फेक बाइंग दिखा करके ऐसे एक दो लेवल करेंगे फिर एकदम से गिरा देंगे। तो ये जो ट्रैपिंग होगी वहां पे उनको स्टॉप लॉस देखो नीचे साइड में मारना आसान हो गया ना, क्योंकि थोड़ा वो सस्टेन करके ऊपर ले गए, एक दो घंटा तीन घंटा ऐसे उलझाते रहे, उसके बाद सारे लोगों को बैठा के नीचे काट दिया, बजाय इसके कि यहाँ पे स्टॉप लॉस मारते तब इनका फायदा होता तो वो मुश्किल हो जाता। तो ये आइडिया आप ओपनिंग से लगा लो। मैं एक और कंडीशन दे देता हूँ, मान लीजिए ज़ूम करके चलो कि ये इसके गैप डाउन ही ओपन हो गया, मान लीजिए ये भी कंडीशन हो सकती है, थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। दोस्तों देखो वीडियो चाहे इतना बड़ा हो, देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ बनेगा, मैं बहुत सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। देखो मान लीजिए इसके नीचे ही खुलती है, इसके गैप डाउन ही खुल जाती है, तो ये क्या करेगी कि मार्केट में जब गैप डाउन खुलेगी, मान लीजिए और मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ,
ठीक है। मान लीजिए गैप डाउन थोड़ा या ज्यादा, जितना भी गैप डाउन, मान लीजिए गैप डाउन नीचे खुलती है और नीचे ही चलने लगती है, तो आप खुद ही सोचो जब नीचे जा रही है तो नीचे इसको कोई स्टॉप लॉस मिलेगा नहीं, क्योंकि नीचे जब स्टॉप लॉस है ही नहीं तो ये नीचे जाएगी क्यों? ये लॉजिक आप सोचो ना, आप सोचो कि अब क्या करेगी। तो अब जब नहीं है तो इसको खाने के लिए भूख लगी तो क्या चाहिए, वो मैं समझाता हूँ। देखो अगर मान लीजिए नीचे जस्ट खुली, अबे भाई रुक जा पिन महाराज, देखो जैसे नीचे चली जा रही है तो ये फेंक फिर सेलिंग है, क्योंकि नीचे उसको स्टॉप लॉस मिलने वाले नहीं है। तो क्या करेगा ये मार्केट कि आपको फेंक फंसाएगा और फिर एक बार लेवल में जा करके और ओपनिंग प्राइस को तोड़ देगा पीछे से। तो जब इस लेवल को तोड़ेगा तो जितने ये फेंक सेलर फंसे हुए उनको उनको यहाँ से मार्केट हटा लेगा। उसके बाद रैंडम जो बायर है यहाँ पे या ब्रेकआउट बायर को फंसाएगा और उसके बाद फिर पूरा गिरा देगा। तो इसका मतलब ये है कि जब आपको बस सिर्फ ये दिमाग लगाओ कि यार ये मार्केट चल रही, क्या इसके आगे कोई असल है, कोई इसके आगे माल है, आगे इसको खाने के लिए कुछ मिल रहा है कि ये बस ऐसे घूम रही, तो ये मार्केट उधर ही घूमेगी जिधर इसको माल मिलेगा। बस ये ऐसे चलती घूमती रहती, इधर असल खाया फिर गया, इधर असल खाई फिर गई, इधर असल खाई। तो इसको एज एलिमेंट ये समझो कि जैसे लाइव मार्केट चल रही, तो उसको मार्केट में समझो, वो सोचो कि एक स्टॉप लॉस खाएगी आपको, फिर उसके बाद फंसाएगी, फिर स्टॉप लॉस खाएगी, ये दैट इज प्रोसेस और ये चलता रहेगा। अब आपको समझना है इसके बीच कैसे आपको निपटना। तो मैंने तरीका क्या बताया कि आपको सिंपली सारे पॉइंट कैसे भी मार्केट चले, मान लीजिए कि अगर मान लीजिए ऐसे 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 चल गई बजाय इसके ऐसे चल गई, तो आपको करना है एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, छह नंबर लगा लिया, छों पे लाइन लगा लिया। देखिए बहुत सारी मेजर मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस भी निकल जाएगा, जैसे एक नंबर, चार नंबर, छह नंबर एक ही जगह पे है, तो इस लेवल को अगर ब्रेक किया, अब नीचे से ब्रेक करेगा, देखो एक चीज और भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर नीचे से मार्केट मूव करता है तो आप ये उम्मीद मत लगाओ कि ये वाले स्टॉप लॉस के लिए बैठेंगे, क्योंकि अगर ये नीचे से भागना शुरू करेगा तो वो अपना यहीं पर कहीं पर प्रॉफिट बुक कर लेगा, ये भी दिमाग में रखो। आपको बस ये देखना है कि वो निकल भी ना पाए, मतलब यहाँ खुले और भागे तो हिट कर देगा, तो फिर भाग जाएगा और पीछे भी हिट कर देगा। अगर नीचे से आया तो सेलर को बैठा करके फिर उनका स्टॉप लॉस हिट आएगा, और उसके बाद अगर नए बायर आ गए तो हो सकता है इस लेवल को भी स्टॉप लॉस हिट करा दे। ये डिपेंड करेगा कि लाइव मार्केट में क्या सिनेरियो चल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों चार्ट में जो टॉपिक हमने पढ़ाया उसको थोड़ा सा कैजुअल समझते हैं। आप देखिए बहुत आसानी से ट्रेडिंग कर पाएंगे, ये आप निश्चिंत रहिए, और वीडियो को एक दो बार, तीन बार, चार बार देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है और आपका इसमें कोई खर्चा नहीं लग रहा है, लेकिन बहुत इफेक्टिव चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए जैसे इसमें मैं बैंक निफ्टी में समझाऊंगा, फिर एमसीएक्स में क्रूड और सिल्वर और नेचुरल गैस में समझाऊंगा। तो यहाँ पे जैसे सबसे पहले मैं टाइम फ्रेम लगाता हूँ, मान लीजिए 3 मिनट का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया हूँ, और अब इसमें हम 4-5 दिन के पिछले एनालिसिस करेंगे कि जैसे जो चीज़ मैंने पढ़ाया उसको कैसे यूज़ करना है मार्केट में। तो सबसे पहले मैं फ्राइडे को जैसे ट्रेड करता, तो ये हमारा है थर्सडे का दिन। तो थर्सडे के दिन में देखिए क्या हुआ है, सॉरी ये नहीं थर्सडे का, यहाँ पे 9 बजे का कहाँ पे है, हाँ यही है, ठीक है, हाँ ये है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है थर्सडे का। तो थर्सडे में देखिए ये एक नंबर हो गया, ये दो नंबर हो गया, और फिर ये 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, और ये 8 नंबर पे क्लोज हो गई, ठीक है। तो फ्राइडे कैसे ट्रेड करते हैं वो मैं समझाता हूँ। मान लीजिए एक लेवल ये हो गया, एक लगभग पैरेलल इसके पास लेवल हो गया, और एक सबसे लोवेस्ट लेवल ये हो गया, ठीक है। अब ये लेवल हमने लगा लिया, अब देखिए मार्केट ने क्या किया, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मार्केट गैप डाउन खुली और नीचे गई, तो ये मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ एक मिनट में। तो देखिए क्या हुआ, गैप डाउन खुला, देखिए समझिए इसको कि कैसे ऑपरेशंस काम करते हैं। तो जब ये गैप डाउन खुला तो 3 मिनट गिरा है। अब 3 मिनट गिरा है तो इसमें आप जूम करके देखिए कि मार्केट में देखिए 41,119 पे कुछ ओपन हुई थी, 41,100 पे, और उसके बाद में देखिए लोवेस्ट 850 का लगा देती। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट लगभग 250 पॉइंट लगभग गिर गई, ठीक है। अब 250 पॉइंट गिर गई तो इस 3 मिनट में लाखों लोगों ने शॉर्ट किया होगा, क्योंकि लगा ट्रेंड नीचे गया, ये नीचे गया। लेकिन आप एक बात सोचो कि मार्केट में क्या है कि यहाँ पे जो सेलर्स आए उनकी, जैसे ये सेलर्स उनको मिल गए पर्याप्त, उनकी ऐसे हंटिंग करा दिया, तो उनको मार्केट ऑपरेटर को प्रॉफिट हो गया। दूसरा एक बात और आपको ध्यान रखना है कि जो ये सेलर है, मान लीजिए कि ये जो बायर था इसका तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, आपको पता हो गया जैसे मैंने ऑपरेशंस पढ़ाया है। लेकिन जो इस पार्ट का सेलर है, जो इस पार्ट का सेलर है, उसका स्टॉप लॉस इसके ऊपर है। तो आप ये सोचो कि मार्केट इसके ऊपर जाएगी तब उनको कुछ खाने को मिलेगा, क्योंकि और वो वाला भी स्टॉप लॉस उनको खाने को मिलेगा नहीं, क्योंकि जब वो भागना शुरू करेगी तो ये अपना काट देंगे भाई पोजीशन। तो उस गोल के लिए मार्केट क्यों जाएगी जिसको अचीव नहीं होना, तो वो नया प्राइस एक्शन क्रिएट करेगी और नया प्राइस एक्शन बना बना के स्टॉप लॉस खाएगी। तो कैसे खाएगी वो मैं समझाता हूँ थोड़ा और। देखिए इसने पहले सेल किया, फिर ये ऊपर एसल मारा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पे बाइंग दिखा रहा है कि मान लीजिए मार्केट बाइंग जाएगी। अब रही बात स्कैल्पिंग की, तो इसमें मैं स्कैल्पिंग, क्योंकि बैंक निफ्टी है तो इसमें स्कैल्पिंग में ट्रेड बन जाता है, लेकिन अभी मैंने अपनी स्कैल्पिंग काफ़ी कंट्रोल की है, क्योंकि मैं वो स्कैल्पिंग से ओवर ट्रेडिंग होती है, तो मैं इसलिए बहुत ही अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ कि मैं 1-2-3 ट्रेड ले लूँ, उसके बाद अगर
उसी पर अच्छा प्रॉफिट नहीं बनता तो फिर मार्केट से निकल जाऊँ। ठीक है, मैं अब ज़्यादा ट्रेड नहीं करना चाहता, स्कैल्पिंग पे मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूँ, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा नहीं कमाया जा सकता, पेशेंस से बहुत ज़्यादा कमाया जा सकता है। तो इसलिए मैं अपना ट्रेडिंग कम करते 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 जा रहा हूँ, तो अब एक ही दो ट्रेड लेने की सोच रहा हूँ। खैर, कम टू द पॉइंट कि यहाँ पे आप देख सकते हो, अब देखो क्या हुआ कि जैसे मार्केट मान लीजिए इस लेवल को ब्रेक करता, आप खुद सोचो कि ये एक लेवल बनाया और इसको ब्रेक किया, तो नए बायर यहाँ पे ललचा गए कि यार चलो रैंडम बायर आ गए कि चलो अभी भाग ही ना जाए, उन बायर को फंसाया, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे निकालने के रैंडम बायर को निकाल दिया, रैंडम बायर तो इतने निकल जाएगा ना, 100-150 पॉइंट में निकल जाएगा। फिर उसके बाद कुछ बायर को लाया निकाला, बायर को निकाला। अब यहाँ पे क्या एक मुद्दा है कि मार्केट ऊपर क्यों जाएगी, बस आपको ये सोचना है। अभी सुबह ये सोचना था कि नीचे क्यों जाएगी, अब ये सोचो ऊपर क्यों जाएगी, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत दूर मिला है, तो जाहिर सी बात धोखा मिलेगा। तो क्या करेगी कि एक लेवल तक जैसे गई, तो यहाँ पे देखो एक चीज और भी समझो कि जैसे ही इस लेवल को बाय किया तो बायर आया, बायर आया, लेकिन जब इस लेवल को भी स्पीडली यहाँ पे इस एरिया में आप ध्यान दो तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बायर आया, तो मार्केट आपको पैसा तो देगी नहीं कि ऊपर सीधे चली जाए, और वहीं से उसने यहाँ पे रिजेक्शन लिया और धोखा दे दिया। ठीक है, क्योंकि सारे बायर, अब जितने बायर थे सारे बायर तो इन सब में फंस गए, अब उनका स्टॉप लॉस किया है तो ये है। ठीक है, अब इसका मतलब है कि मार्केट को खाने के लिए इतने लोगों का स्टॉप लॉस मिल गया और वो आराम से देखिए आप आगे खा लिया। ठीक है, अब ये सोचो कि मैं ऑप्शंस में यहाँ पे मैंने बाय किया था और इस वाले जैसे ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते मैंने सेल किया था, लेकिन चलो वो बात अलग है। तो ये जैसे ही यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस का, अब इसका लोअर लो पॉइंट तोड़ा, तो अब यहाँ पे देखो ऑपरेशंस क्या होगा कि रैंडम सेलर आएंगे नेचुरली, जैसे ही लो ब्रेक करेगा लोग शूटिंग अब गिरेगी अब गिरेगी गिरेगी, रैंडम सेलर आएंगे और ये वाले बीच में जो सेलर स्पीड में पार्टिसिपेट करेंगे उन सबको इसने तुरंत फिल्टर कर दिया। ठीक है, रैंडम लोग क्या होता है कि आओ बस हम थप्पड़ मार दे तुमको, आओ बस तुमको हम थप्पड़ मार दें, रैंडम लोगों का यही कारण है कि जैसे वो मार्केट में घुसेंगे वैसे उनको थप्पड़ पड़ जाता है, बाहर हो जाते हैं। तो यही चीज मैं समझा रहा हूँ भाई, और रैंडम ट्रेडिंग बंद कर दे यार, बिल्कुल बंद करो और सेटअप बना लो, उस सेटअप पे आने पे ही ट्रेड करो, नहीं तो ना करो। अब देखिए जैसे एसएल हंटिंग हुआ उसके बाद जैसे ये चीज हुआ, अब यहाँ पे फिर रैंडम बायर आए होंगे, जैसे ब्रेकआउट पे रैंडम सेलर आए, इन रैंडम बायर को इसने फिर फिल्टर किया और इसके लोअर के आसपास ले गई। अब यहाँ पे देखो मार्केट इस लो पॉइंट पे ले गई, तो ये वाला बायर थोड़ी बचेगा भाई, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा ना, प्रीमियम इतना डिके हो रहा, तो यानी कि सारा बायर को निकाल दिया। अब इस बायर को फिर इस एसएल से खा लिया सबको और उसके बाद मार्केट को ऊपर भगा दिया, क्योंकि अब यहाँ पे कोई नहीं था। तो कहने का मतलब है अब मार्केट का प्राइमरी गोल क्या है, ये लेवल, अब उसको, अब चूंकि इस एरिया में या इस एरिया में जो भी पार्टिसिपेट करेंगे तो वो उसका क्या होगा कि जो सेलर होंगे, अब इन ड्यूरेशन वाले सेलर का हाइएस्ट स्टॉप लॉस ये होगा, राइट। तो मार्केट का प्राइमरी गोल होगा कि अगर जाएगी तो ये इसका एसएल फिर हिट करेगी, तो ये जो पूरे इस पार्ट के जो हाईएस्ट सेलर होंगे उनका यहाँ पे नुकसान होगा। तो खैर इसको आगे ऑपरेशंस को समझिए, तो देखिए मार्केट ने क्या किया है कि बायर को लिया, उसके बाद सारे को निकाल दिया और उसके बाद एक फ्लो में मोमेंटम दिया और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट कर रहा है मतलब कि लोगों के लिए दवाई बना के बांट रहा है कि भैया लो टेबलेट लेते जाओ, अभी हम आपको बेहोश करेंगे। उसके बाद देखिए जितने भी मतलब इस मोमेंटम में चल रहा है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इन पुलबैक्स में प्रॉफिट नहीं बन हुआ, इस फॉलोइंग नहीं हो पाएगा, वो सब हो जाएगा, वो मैं विषय नहीं, मैं ऑपरेशन समझा रहा हूँ, बस उसको फ्लो में समझते जाइए। ठीक है, तो आप जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अब स्मार्ट बाइंग क्या है, स्मार्ट मनी क्या है कि जैसे सबका एसएल हंटिंग हुआ, एसएल हंटिंग के बाद ब्रेकआउट पे सेल नहीं करना था, उसके बाद भी बाय नहीं करना था, और उसके बाद अगेन जब एसएल हंटिंग हो जाता उसके बाद जब मोमेंटम होता तो वो एक जेन्युइन मूव होता, उसी को डब्ल्यू या एम पैटर्न करते हैं, जैसे यहाँ पे बना भी हुआ है सहयोग से। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारी परफेक्ट सेलिंग कहाँ पे हो सकती थी, इस पॉइंट पे जहाँ, और परफेक्ट बाइंग यहाँ पे, दो कॉल यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। हालांकि स्कैल्पिंग में यहाँ पे भी बाय थोड़ा देर के लिए बना सकते हो सिंपल हिसाब से, लेकिन अब ये देखो जैसे सभी को यहाँ पे इसने डिस्ट्रीब्यूट किया, मान लीजिए देता रहा, उसके बाद में देखो हाईएस्ट लेवल यहाँ तक ले गया, तो ये जो बीच में जितने भी सेलर थे ये अपना यहाँ पे पेशेंस नहीं रख पाए और ये नए बायर बन गए, इनको ये लगा कि भाई चलो और भागेगा, और उसके बाद इन बायर को जब बहुत ज़्यादा बायर हो गया, क्योंकि एक्शन वर्सेस रिएक्शन होता ना, केस वर्सेस इफेक्ट, तो ये इस एरिया में काफ़ी सारा लोगों को बेचा गया है, रिटेल इन्वेस्टर को लालच दिया गया, उसके बाद मार्केट को इतना स्पीडअप गिराया गया है कि कोई इस बीच में अपना एसल बचा ना पाए, मतलब अगर फंस गए तो लॉस देने के अलावा कुछ नहीं है। और उसके बीच में जो ये उछल कूद रहे हैं ना थोड़ी थोड़ी कैंडल, ये सब रैंडम वाले हैं, ये आते हैं थप्पड़ खाते चले जाते हैं, आते थप्पड़ खाते चले जाते हैं, तो ये रैंडम वालों को तो खैर हम यहाँ पे बात नहीं करें, मेजोरिटी की बात करें तो आपको यहाँ पे समझना है कि इनका ये ऑपरेशन था, ये रिएक्शन था। अब यहाँ पे अगर स्टार्ट हो गया है तो इस लेवल को तो ये ब्रेक करेगा ना भाई, क्योंकि ये लोएस्ट लेवल था, अब यहाँ पे इसने लोगों को दवाई दिया उसके बाद नीचे चला, तो हम ये आइडिया लगा सकते हैं आसानी से किस लेवल पे आएगा, वो आया भी और इस लेवल पे आके फिर वही चीज कर रहा है, देखो सेम वही रिपीटेशन है, जैसे इस लेवल को ब्रेक हुआ है सेल ना है, फिर रैंडम उनको भगाया, फिर जैसे नीचे गिर रहा है। चलो ये बात तो हो गई मान लीजिए फ्राइडे के, उसके बाद हम बात करते हैं उसके एक दिन पहले की,
मान लीजिए कि अब अगर बृहस्पतिवार को हमें ट्रेड करना होता तो हम बुधवार को देखते हैं, तो बुधवार को देखो बहुत सा बड़ा कैंडल यहाँ पे बना हुआ और क्लोजिंग इस पॉइंट पे हुई। ठीक है, मैं 3 मिनट लगा रहा हूँ क्योंकि उसमें समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप एक बात सोचो कि मार्केट में जैसे हम अगर बुधवार को लगाएं तो एक लाइन यहाँ लगी होती है, एक हमारी लाइन यहाँ होती ही होती। बात समझ में आ गई? अब देखो मार्केट ने क्या किया कि बीच में ओपन हुआ, इस पर मैंने एक वीडियो भी डाला था 80 से 120 के, उस समय मैं रिसर्च भी कर रहा था, वो चीज़ भी अच्छी काम करती है अगर थोड़ा सा साइकोलॉजी उसमें और ऐड कर दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि बीच में ओपन हुआ तो ये जो आखिरी स्टॉप लॉस था, मैं थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ, देखो इस वाले पार्ट में जितना भी लास्ट में सेलर आया होगा उसका आखिरी एसएल यही होगा कुल मिला के। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट ओपन हुई तो मैं 3 मिनट की कैंडल लगाया, तो जैसे ही इस लेवल को ब्रेकआउट किया तो इसमें क्या हुआ, ब्रेकआउट होते ही सारे जो है तो इनके स्टॉप लॉस हिट हुए और मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर रिएक्शन लिया। तो ब्रेकआउट होते ही यहाँ पे आप बाय कर सकते थे, यहाँ पे कर सकते थे क्योंकि अभी मैं 3 मिनट कैंडल लगाया हूँ। अगर आप प्राइस की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए 41,700 रुपये है और ये 800 रुपये कुछ गया है, बहुत ऊपर नहीं गया है, लेकिन ये ब्रेकआउट होते ही ब्रेकआउट का रिएक्शन था। अब ये बताओ कि बहुत ऊपर क्यों नहीं गया, इतना टॉपिक तो मैंने बता दिया लेकिन अभी भी आप सोच नहीं पा रहे हो, तो मैं आपको फिर एक बार क्लियर करा देता हूँ। बहुत ऊपर इसलिए नहीं गया क्योंकि उस ऊपर खाने के लिए स्टॉप लॉस नहीं था ना, आप लोग दिमाग लगाओ ना, कहाँ ऊपर स्टॉप लॉस, क्यों जाएगा ऊपर, वो इसलिए ऊपर नहीं गया। अगर स्टॉप लॉस कोई ऊपर होता तो भाग के खा लेता, तो जाहिर सी बात है कि आपको प्रॉफिट देने के लिए तो ये लोग बैठे नहीं है। तो इन बायर को फंसाया, मतलब इनका तो स्टॉप लॉस हुआ लेकिन नए बायर को फंसाया, उसके बाद में इसका लो देखो तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया नीचे। तो क्या इन्होंने किया सेंटिमेंट खेला कि इनका तो एसएल गया बेचारों का, उसके बाद नए बायर है और उनका भी लोएस्ट एसएल गया। जब ये सेंटिमेंट में फिर वही कहानी कि जैसे ही सेलिंग ब्रेकआउट हुई नए सेलर आए रैंडम, उनको फिल्टर किया, हमारा था पर नीचे गए, और उसी प्रक्रिया से देखो यार रोज का नाटक है, उसके अगले दिन का मैं बताता हूँ। अब देखो यार ये तो एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिन है क्योंकि ये बहुत हजारों पॉइंटों में ऊपर चला गया, लेकिन इसमें भी आप देख सकते हो कि जैसे ये इसका पर्पज ये नहीं था कि भाई इसका स्टॉप लॉस तोड़ने के लिए ऊपर आता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए नए सेंटिमेंट बनने लगते हैं क्योंकि ये जितने भी बायर सेलर होंगे तो जो सेलर होंगे तो वो भी ऊपर आ रहा है तो वो भी निकल जाएगा, तो वो स्टॉप लॉस देगा नहीं, ज्यादा दूरी में आपको उनका स्टॉप लॉस मिलेगा नहीं। भाई अगर हमने यहाँ शॉर्ट किया और मार्केट यहाँ गैप डाउन खुली तो वो मेरी तरफ आएगी तो हम आने से पहले निकल जाएंगे, स्टॉप लॉस मिलेगा धोखे से। धोखे से कैसे, मतलब कि अगर मान लीजिए कि यहाँ 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 पे मान लीजिए बहुत सारा कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद लोअर लो तोड़ा, तो जैसे ही सारे रैंडम और जितने सेलर बैठे हैं, देखो सेलर बायर तो यहाँ पे 90% मौका परस्ती का फायदा उठाते हैं, तो जैसे लोअर लो तोड़ा और जैसे सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया और उसके बाद फिर वो जब भागेगी तो ये हायर हाई तोड़ेगी क्योंकि इन जितने भी बीच में स्टॉप लॉस लगाया उनका सबसे हायर हाई है। ठीक है, तो प्रैक्टिकली ये आपको समझ जाना होगा और इस तरह से आप फिल्टर करोगे। अब जैसे यहाँ पे आप देखोगे कि इस लेवल में और इस लेवल में मार्केट थी, ठीक है, तो जितने भी इस लेवल में सेलर थे ना तो उनका तो ओपन होते ही वो तो अपना निकल गए मार्केट से। अब मार्केट में जो बायर है तो उसका स्टॉप लॉस तो नीचे से हिट करने आएगा नहीं ना मार्केट। अब ठीक क्लियर देख लो, यहाँ पे मान लीजिए ये लेवल है, ये लेवल अब ये यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, अब ओपन हुआ तो जाहिर सी बात है कि मार्केट यहाँ आ करके और इस वाले लो को तोड़ेगा तभी तो इन बायरों का स्टॉप लॉस हिट होगा जो भी यहाँ पे बाइंग में बैठे होंगे। ठीक है, लेकिन अब वो इतना प्रक्रिया करने के लिए नीचे आएंगे तो ये क्यों बैठे रहेंगे, अपना बीच में काट देंगे। इसलिए चालाक लोग क्या करते हैं कि आप देखो जैसे इसने नीचे गिरने का झांसा दिया, ठीक है, तो ये लोगों को लगा लिखेगा गैप फिल करेगा और उसके बाद जैसे ही लोगों को फंसा पाया देखिए उल्टा ऊपर सबका स्टॉप लॉस खा लिया। तो अब कहने का मतलब है कि ये सेलर्स जो इस एरिया में थे वो सारे यहाँ के ऊपर गया तो मर गए और फिर नए सेलिंग के झांसा देकर के बाइंग दिखा दिया गया। अब तो आप यहाँ पे प्रैक्टिकली देख सकते हो कि इनका मोटो क्या है। अब थोड़ा सा दोस्तों मैं बात करता हूँ नेचुरल गैस पे, नेचुरल गैस का मैंने यहाँ पे ओपन किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला है मतलब बृहस्पतिवार का और जो ये वाला है ये है फ्राइडे का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए समझते हैं, तो यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए कि इस दिन ओपन हुआ, अब इसके पहले वाला दिन मुझे नहीं दिख रहा है चार्ट में, मैं 5 मिनट का लगा लेता हूँ तो दिखेगा, 1 मिनट 5 मिनट लगा लूंगा तो दिखेगा। ठीक है, हाँ अब दिख रहा है, अब देख सकते हो जैसे कि मान लीजिए ऑपरेशंस क्या थे। अब देखो इस वाले चीज को अब ऑब्जर्व करो, यहाँ पे देखो जो मैं बता रहा था ना, देखो अब मैं 2-3 दिन का बैक का समझाता हूँ। मान लीजिए इस वाले पॉइंट के ऊपर ओपन हुआ तो देखिए पहले नीचे लेके आया, 5 मिनट कैंडल लगाया हूँ और ये नेचुरल गैस में 10-10 पॉइंट का फर्क है ये देखो। ठीक है, पहले नीचे लेकर आया तो ये लगा कि सेलिंग में जाएगी, फिर सबका स्टॉप लॉस मार दिया। लेकिन आप देखिए जब ये साइडवेज जोन में था तो आप इसमें देखिए कि क्या हो रहा है कि साइडवेज जोन हो रहा है तो लोगों को क्या भरोसा लग रहा है कि गिरेगा गिरेगा, तो ये लोग जो है ना चारा डालते अपना कि भैया गिरेगा 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 गिरेगा, और फिर लोगों को लगा कि नहीं अब भाग जाएगा। अब इन सारे लोगों को मिला करके और उसके बाद में सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे खिला दिया गया। अब इस लेवल पे मैं ये बात कह रहा हूँ कि मार्केट में जब ये टर्न ली थी तो मैंने क्या बोला था कि मैं थोड़ा इसका जूम करता हूँ, ठीक है, 5 मिनट का है ना,
यहां पे, तो अब ये लोअर लो इसका आएगा ना, क्योंकि स्टॉप लॉस खाएगा, और स्टॉप लॉस अगर सबके हो गए तो फिर ये भागेगा इसका। तो यहां पे देखो सेम वही कहानी हुई, देखो ये लगभग यहां पे हायर पे गया, अब इसमें ट्रैप किया, फिर ये देखो जो इसका लोअर लो है उसको तोड़ने के लिए नीचे आया। ठीक है, हम लोग आसानी से ट्रैक कर लेते हैं कि हम लोग फंसे होंगे जाल में। अब ये लोअर लो जैसे ही तोड़ा तो इस वाले पॉइंट पे मार्केट में कोई रिटेल इन्वेस्टर है ही नहीं, क्योंकि जो बायर था वो मर गया, जो सेलर था अब मर जाएगा। अब क्या है, सिर्फ इनसाइडर है, तभी तो यार इतना प्राइस भगेगा। अब वो ले जा करके एक लेवल पे आपको यहाँ पे छोड़ दिए, इसके बीच में आप पार्टिसिपेट कर पाओ ना कर पाओ, कभी कभी चलो इसमें बड़ा ट्रेंड कर लोगे या किसी को पता नहीं गया कितना भागेगा, तो इसमें दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मेजरली क्या है कि मेरे हिसाब से साइकोलॉजिकली कि जब ये यहाँ पे ये उल्टा चल दिया था तो मुझे ये कन्फर्म था कि नीचे लो जरूर तोड़ेगा, क्योंकि असल तो खाएगा खाएगा ना। उसके बाद यहाँ से टर्न हुआ और उसके बाद जब लोग नहीं थे तो वो भाग गया। उसके अगले दिन देखो उसी साइकोलॉजी से क्या हुआ कि यहाँ पे देखो ये लोग गैप डाउन खोले, सॉरी गैप अप खोले, और उसके बाद में मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रही। तो आप दिमाग लगाओ, अगर मार्केट ये ऊपर जाएगी तो इनको कौन से स्टॉप लॉस खाने को मिलेंगे, ऊपर भागते रहेंगे तो रिटेल इन्वेस्टर प्रॉफिट करता रहेगा बाय करके। तो ये लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे देखो, अगर थोड़ा और मैं जूम करता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो थोड़ा मैं जूम करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ये चीज़ देखो आप नोटिस करो, तो जैसे गैप अप खुला तो इसमें बार बार ऊपर नीचे देखो, लगा गिरेगी फिर लगा बढ़ेगी, लगा गिरेगी लगेगी। लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग बेच रहे थे जानबूझ करके, क्योंकि ऊपर नहीं ले जाना था। अब यहाँ पे थोड़ा मोमेंटम नहीं हुआ, नहीं आखिरी में हायर हाई तोड़ के फिर नीचे गिराते, ये लोग करते हैं। ठीक है, लेकिन कुल मिला के आप ये सोचो कि यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि भाई ऊपर क्यों जाएगी, उस लॉजिक को समझो ना। ऊपर स्टॉप लॉस नहीं मिलेंगे, अब ये लोग नया चारा बना रहे हैं, अब नए चारे में जितने इस एरिया में बायर आए होंगे कि यार बहुत अच्छा ट्रेंड बुलिश है, ये है वो है, ऑल इन ऑल टेक्निकल बला बला बला, तो वो लोग चारा बने होंगे। और उसके बाद क्योंकि इन्होंने लगातार अपने आप को ऊपर हाई पे बेचा है, कितने घंटे बेचा है, कई घंटे यहाँ पे बेचा है इन्होंने, तो इसका मतलब है उसके बाद उसी हिसाब से फिर गिराते चले गए, फिर मौका ही नहीं देंगे ना, आपको मरना ही पड़ेगा। उसके बाद देखो फिर वही सेम कहानी की, जैसे मान लीजिए इस मार्केट में क्लोज हुई और लोअर लो पे ओपन हुई और यहाँ पे ये लोग फिर बेचते रहे, तो अब इसमें क्या सेंटिमेंट होंगे, जैसे एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, अब बीच में जब ये ओपन हुई है तो इसको स्टॉप लॉस किधर मिलेंगे ये आपको देखना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि लास्ट वाली मार्केट को ऑब्जर्व करिए तो इसमें बहुत हैवी बाइंग हुई है, ठीक है, ये भी बाइंग हुई है, ये भी बाइंग हुई है, तो मार्केट अब यहाँ पे ओपन हुआ है तो इसका स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे होंगे, भाई उल्टा यहाँ पे सेलर नहीं आए होंगे, कम टू द पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी बाइंग होगी, होल्डिंग होगी, तो उसके लो के सेलर होंगे, और जो भी इस पीरियड में सेलर भी होंगे उनका हाइएस्ट का यहाँ पे होगा। ठीक है, तो मार्केट जब नीचे खुली और इसके बीच के जो सेलर हैं उनका तो मार्केट कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, क्योंकि वो ऊपर जाएंगे तो अपना निकाल देंगे प्रॉफिट में। लेकिन जो ये बायर हैं ये अभी इंतजार करेंगे कि यार हो सकता है कि थोड़ा आ जाए, ये इस लेवल को ब्रेक करे, तो देखो फंसा लिया बायर को और उसके बाद देखो नीचे तोड़ दिया। अब फ्राइडे को देखो क्या कैसे चाल बनाया कि मार्केट जैसे नीचे पूरा गिरा तो इस एरिया में जितने लोगों को फंसाया उस लोगों को देखो, तो जब से यहाँ पे देखो वही चीज़ देखो जैसे मैंने, सीधी सी बात है कि जब ये सेलिंग में है और जितने भी सेलर्स हैं जब इस तरह के मोमेंटम होंगे तो क्या होगा कि भाई ये सेलर्स जो है तो कहाँ अपना धैर्य रखेंगे, वो अपना एग्जिट कर देंगे। उसके बाद देखो क्या हो रहा है कि ये इतना हैवी मोमेंटम यहाँ पे देखो दिखाया गया और अब ये जितने बायर यहाँ पे आए तो जब यहाँ से चला तो मैं कह रहा हूँ इसका लो तोड़ेगा। देखो जब गिरा ना तो इसका तोड़ा, क्योंकि इन बायरों को मरना है भैया, इससे इजी आपको कहीं समझ में नहीं आएगा। और आप इन्हीं चीज़ों को फॉलो करो, अब यार सेटअप बना लो मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं। यहाँ पे आप देखो कि जैसे इसने लोअर लो में यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, फिर वही कहानी है। थोड़ा सा बस जस्ट मैं एक मिनट क्रूड ऑयल को समझ लेता हूँ, ताकि यार वो क्रूड ऑयल वाले लोग होपलेस ना हो, बेचारे कहेंगे कमेंट में कि यार सर क्रूड में नहीं बताया, तो ले भैया क्रूड में ले ले, राइट। तो यहाँ पे देखो क्रूड ऑयल को कोई भी मार्केट कभी भी देखो, जैसे क्रूड ऑयल में लास्ट वाला दिन ही ये समझो, बस समझो सब ट्रैक कर लोगे। देखो ये हैवी बाइंग मूवमेंट है, आप इस बात को समझ जाते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए मार्केट का एक लेवल ये निकल गया, एक क्लोजिंग निकल गया, अब मार्केट यहाँ पे गई तो आप ये सोचो कि इस एरिया में सेलर नहीं आए होंगे मेरे भाई। ये तो अब देखो ट्रेडिंग शार्प माइंड वाला काम है, तो ये तो हम नहीं कह सकते कि अपना दिमाग आपको निकाल के दे पाएंगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इतने में सेलर तो आएंगे, तो आप सोचोगे कि ऐसा हंटिंग ऊपर होगी, सेलर नहीं है इसमें, इस पार्ट में बायर ही बहुत है, क्योंकि सबको उम्मीद है कि ऊपर आएगी। अब ठीक है, तो गैप अप ओपन हुआ, अब देखो यहाँ पे वही लालच मिल रहा है ना लोगों को, देखो ठीक है, देखो यहाँ पे अब मार्केट देखो यहाँ पे क्लोज हुई, गैप अप खुली, अब लोगों को ये लग रहा है कि ये ऊपर जाएगी, ठीक है, क्योंकि पीछे वाले जो बायर हैं उनको भी होप मिल रही है, क्योंकि ये देखो तगड़ी बाइंग, ये देखो जो हुई है शाम को, देखो जो बहुत सारी तगड़ी बाइंग हुई है, और उसके बाद जैसे मार्केट गैप डाउन खुली तो ये ऊपर जा रही है, तो इन बायर को होप है कि मार्केट ऊपर चली जाएगी, दूसरा नया बायर भी पार्टिसिपेट तो कर रहा है ना। तो अब देखो ये ऊपर क्यों जाएगी ये सोचो, बस मैं ये बोल रहा हूँ,
ये ऊपर जाएगी तो इसको स्टॉप लॉस नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस एरिया में सेलर तो आया नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया कि यहाँ पे सेलर बहुत सारे हैं तो ऊपर जाएगा एसएल मिलेगा, इसको ऊपर जाके एसएल नहीं मिलेगा तो इसने नया चाल बनाया, जाल बिछाया ये वाला कि भैया हम ऊपर जा रहे हैं, और उसके बाद देखिए एकदम से मार दिया खा लिया सबको। उसके बाद में जो रैंडम सेलर हैं जिनको थप्पड़ खाना होता है वो इस मार्केट में आ जाते हैं, और जैसे थप्पड़ मिलता है वो वापस भाग जाते हैं। ठीक है, तो ये मैं मजाक प्रोस्पेक्टस फिर भी नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत स्पेसिफिक रिसर्च है, और लाखों 5-5, 2-2 लाख रुपया दे के भी नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इस बात को समझो कि जैसे इसमें फिर रैंडम बाय रहा है, और उसके बाद देखिए फिर स्टॉप लॉस मार दिया, फिर इस लेवल को ब्रेक किया। अब कभी कभी एक तरफा मार्केट चलेगी, ऐसा नहीं कि हमेशा वो बाइंग सेलिंग स्लो खाएगी। अगर मान लीजिए लगातार स्ट्रॉन्ग बाइंग होती रही तो थोड़ा ऐसा होगा, ज़्यादा भागेगी थोड़ा गिरेगा, तो वो ट्रेंड अलग बात है ना। हर तरह की मार्केट को अपने आप को कैपेबल बनाओ ना, ऐसा नहीं कि वो एक ही तरह चलेगा। लेकिन आप ये देखो कि जितनी बार यहाँ पे होप मिलती है उसके बाद मार देता है। ठीक है, तो जब हमारा रैंडम ट्रेडिंग करेंगे सेटअप नहीं हुआ तो इसी होप में फंसते रहते हैं, फिर हम मार्केट को निगेटिव नजर से देखते हैं। उसके एक दिन पहले का भी देख लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे इसका बॉटम लो था, ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हो कि ये मार्केट क्लोज हुई, तो ये 15 मिनट में जो स्विंग चल रही थी जैसे स्कैल्पिंग टाइप में, वो स्विंग के हिसाब से जैसे ट्रेंड लाइन में मार्केट चल रही थी। तो ऑल ओवर इसमें क्या है मार्केट में, अगर आप देखेंगे तो मार्केट में ये डाउन ट्रेंड है, मतलब नीचे ज़्यादा गिर रहा है ऊपर कम जा रहा है, नीचे ज़्यादा गिर रहा है ऊपर कम जा रहा है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि सेलिंग ज़्यादा हो रही है, तो सेलिंग ज़्यादा हो रही है पिछला, तो फिर उनको स्टॉप लॉस तो मार्केट को ऊपर भगाने में ही तो मिलेंगे ना। तो इनको देखो माल कहाँ पर मिला, देखो तो इन्होंने क्या किया, जस्ट ऊपर खोला, और अब देखो ये क्या दे रहे हैं, गैप अप खोल करके ये कह रहे हैं कि हम नीचे जा रहे हैं। अब ये नीचे क्यों जाएंगे, क्योंकि देखो नीचे जो है तो सेलर जो है, तो सेलर मार्केट में मान लीजिए कि है नीचे, यहाँ पे सब सेलर है इस 5-10 मिनट में, तो शायद कोई बाय किया हो 15-20 मिनट में, तो कुछ बायर होंगे तो वो जा रहे हैं तो वो यहाँ पे निकल जाएंगे। लेकिन अगर ये नीचे गिरती रहेगी तो इसके नीचे इसको स्टॉप लॉस नहीं मिलेंगे, क्योंकि देखो इसके नीचे इसको स्टॉप लॉस नहीं मिलेंगे ना, ये गिरती रहेगी तो इसके नीचे स्टॉप लॉस नहीं मिलेंगे, क्योंकि सेलर है यहाँ पे, तो सेलर का स्टॉप लॉस तो ऊपर होगा ना। उसी तरीके से इसने क्या झांसा दिया कि हम गिरेंगे फिर मारेंगे सबको ऐसे करते 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 करते, और इसने सारा, अब इस वाले झांसे में फंसे लोग, इस वाले झांसे में फंसे लोग, क्योंकि भैया ऐसा नहीं कि सब स्कैल्पिंग करते हैं, बहुत ऐसे ट्रेडर हैं कि वो वेट करते हैं, चाहे फंड आधा हो जाए लेकिन वेट जरूर करेंगे। ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो वेट करते हैं, तो ऐसे लोग हैं कि जो हाई को बॉटम को टॉप को अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो मन में सोचते रहते हैं कि इस, जैसे मैं भी मन में सोचा कि भाई इस लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर बैठने का मतलब क्या है, तो फिर पूरा कैपिटल चला जाएगा। तो ये चीज़ें हैं कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया। अब देखो लास्ट में जब मोमेंटम स्टार्ट हुआ है तो इसने देखो क्या झांसा दिया लोगों को कि हम ऊपर जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, अब ये जब ये प्रक्रिया चल रही है तो इसमें तो ट्रेड करो ना, मैं कहना हूँ। अब इसके बाद में क्या है कि इसका स्टॉप लॉस यहाँ शुरू हुआ, तो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था कि ये इसी लेवल पे एसएल खाने के लिए आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे नहीं आया, कोई बात नहीं, एक आध कैंडल और बनती तो आ जाता यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि 10 में से 10 ट्रेड आपके आ ही जाए, लेकिन हम कह रहे हैं यहाँ हम इस बड़ी कैंडल पे सेल करते तो कुछ ना कुछ लूज करते। और दूसरी चीज़ ये है कि जब ये एसएल हंटिंग होगी तो मार्केट न्यूट्रल होगी, तो ऑपरेशन यहाँ से फिर बाइंग ऑपरेशन शुरू हो जाएगा, और उसमें फिर जो नया बायर है ना, मेच्योर बायर है, आप सोचो कि आप बाय कहाँ करते हो, आप बाय कहाँ करो जहाँ पे सर स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। फिर ये जो बायर है तो ये रिटेल बायर भी कुछ नया बायर होगा, और कुछ ऐसा होगा कि जो बड़े लोग हैं वो बाय करेंगे, क्योंकि उनको पता है ना कि अब यहाँ से मार्केट लगी रिटेल इन्वेस्टर। तो अब क्या हो रहा है कि ये जो सेलिंग में जोन में जो इस 1-2 घंटे में आए, इनका स्टॉप लॉस और इनका पीछे का स्टॉप लॉस देखो, खाने के लिए उसको कितना मिल गया, कितना माल मिल गया, मैक्सिमम स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। जो बंदा यहाँ पे सेल किया होगा वो बंदा भी खुश हो रहा होगा कि चलो अपने फेवर में आ रहा है, और उसके बाद सारे लोगों को लॉलेस देके और यहाँ पे मार दिया गया। ठीक है, तो ये सारे लोग उड़े और ये सारे लोग प्रॉफिट बुकिंग के मार्केट ऊपर भागे। तो दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजी, और इसको आपको समझना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, लेकिन अब मैं आपको एक दो इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। जैसे मैंने पहले बोला ना कि आपके अपने इमोशनल माइंडसेट को खत्म करना, तो आपका इमोशनल माइंडसेट क्या है कि आप रैंडम एंट्री लेते हो, तो रैंडम एंट्री जैसे मैंने बोला ना कि हर बार थप्पड़ खाने वाला काम है, तो प्लीज़ रैंडम एंट्री मत लो, ये तो एक प्रॉमिस करो। दूसरी बात आपको इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखनी है कि भाई मार्केट कहाँ क्लोज हुई, उन पॉइंट को फाइंड आउट करो, उसके हिसाब से कहाँ पे ओपन हो रही, फिर कहाँ पे एसएल खाएगी। कोशिश ये करो कि जब एसएल खा के वो पलटे उस प्राइस पे आपको एंट्री लेनी है। ठीक है, अब जैसे मैंने चार्ट में दिखाया, अब इसमें क्या होगा कि आपका जो स्टॉप जैसे भाग रही है, बायर बना रही फिर एकदम से चल दिया,
फिर वैलिडेशन जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको वैलिडेशन वाला ये टेक्निक यहाँ पे लगाए, ऑसम प्रॉफिट होगा, ठीक है। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी होगी इंपॉर्टेंट, कि कोई भी मार्केट अगर ऐसे जाती है उसके बाद जब ये पहली बार ही नीचे आती तो गिरेगी नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना, अगर आप बाई में हो तो आपको ये करना होगा कि भाई ये पहले रिजेक्शन से आपको डरना नहीं होगा और आपको वेट करना होगा, क्योंकि ये नहीं गिरेगी, इन बायरों को ये फिल्टर करेगी, फिर उसके बाद एक क्विक एक्शन आएगा, लगेगा कि ऊपर भगेगी, तो जैसे ही इसका ब्रेकआउट करेगी उसके बाद बहुत सारे बायर यहाँ पे आ जाएंगे और रैंडम ट्रेडर वाले भी लोग आ जाएंगे, फिर ये टर्न लेगी, फिर ये ऊपर नहीं आएंगी, फिर ये गिरती चली जाएगी। तो आपको ये देखना है कि पहले पुल बैक पे ट्रैक नहीं होना है, भले ही पोजीशन छूट जाए, दूसरी बार जब टर्निंग ले तो उसके हायर हाई स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करना है, ठीक है। इसके सेम अपोजिट आपको क्या करना, लोअर साइड में, कि अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ लो बॉटम में जा रही, बॉटम में जा रही और ये अप मोमेंटम यहाँ पे करती है, तो यहाँ पे आप ट्रैप होंगे, क्योंकि जो बायर आने वाले होंगे उनको मार्केट हटा देगी, फिर उसके बाद ये मोमेंटम करेगी, अगर जो बायर आए होंगे उसके बाद मार्केट हटा देगी, क्योंकि मार्केट न्यूट्रल कर सकती है, फिर इसी तरह से सारे लोग न्यूट्रल हो जाएंगे, फिर जो मोमेंटम होगा वैलिडेशन के साथ में वो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एंट्री कहाँ पे बनानी है, अगर मान लीजिए मार्केट ऐसे 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 आई और उसके बाद यहाँ से पलटी लेती है, तो इसका मतलब ये है कि आपका टारगेट ये होना चाहिए और स्टॉप लॉस ये होना चाहिए, ठीक है। तो इतनी तरीकों से मैंने समझाया है, अगर आप एक आध महीना प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं कि कितना प्रॉफिट आपका एक्सपेक्टेड है, तो मैंने इस पर काफ़ी सारा प्रयोग भी किया है और टेस्टिंग भी किया है, ट्रेड भी किया है, तो मुझे लगता मैं इसी को ही आगे बढ़े, जैसे मैंने बोला ना बैंक निफ्टी में भी क्वांटिटी बढ़ाने वाला हूँ, तो उसमें भी इसी चीज़ को कंसीडर करके बड़े लॉट साइज में आगे भविष्य में करूँगा। तो इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी, अब आप इस चीज़ को फाइंड आउट करें और इसको थोड़े थोड़े क्वांटिटी में प्रैक्टिस करें, और कोशिश ये करें कि जब हायर हाई तोड़ दे तो वहाँ से शॉर्ट करें, और जब लोअर लो तोड़ दे तो वहाँ से बाय कॉल बनाने की कोशिश करें। अगर वैलिडेशन हो रहा है तो इट इज़ सो गुड, और अगर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों यहाँ पे आज हमने सीखा कि मार्केट के ऑपरेशंस कैसे होते हैं, कैसे स्टॉप लॉस हंटिंग की जाती है, और मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से लोग कैसे इमोशनल ट्रैप होते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको इमोशनल नहीं होना है दोस्तों, बस आपको अपनी गलतियों को फाइंड आउट करके उनको बस पकड़ के काम करना है, इमोशनल बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि यार देखो ना कितना भी इमोशनल होगे ना तो मार्केट जो हो रहा है वो होता ही रहेगा, फिर आपके इमोशन से कोई मतलब नहीं मार्केट को। इसलिए आपको ज़रूरी ये है कि आप अपने लॉजिक को समझो, चीज़ों को देखो, प्रैक्टिस करो और उस हिसाब से अपनी चाल बदल लो, तो ये आप प्रॉफिटेबल रहोगे। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि इसको आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए इधर उधर मत बाकी है, फाइनली यही मैं बोलना चाहता हूँ कि इस इंडिकेटर को एज ए सपोर्टिंग टूल की तरह देख सकते हो, वरना उसको मत देखो। सिर्फ तीन चार चीज़ें जो मैंने बताई इसको आप लेकर के ट्रेड बनाने की कोशिश करो, और हो सके तो इसमें वैलिडेशन और सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप निकाल के थोड़ा सा देख सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, लेकिन इस वीडियो को यार शेयर करो। देखो मैं आप लोगों को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए पूरा सैटरडे में था इस वीडियो को दे दिया, पिछले सैटरडे जो वीडियो प्लान किया था आ नहीं पाया था, तो इसलिए यार इतनी मेहनत इतना फिर डाल रहा हूँ कि आप प्रॉफिट में आओ। अगर आप प्रॉफिट में आओगे को तो हमें ब्लेसिंग्स मिलेंगी, तो इसलिए इस वीडियो को शेयर करो यार, जितने लोगों को आप अच्छा काम कर लिए मोटिवेट करोगे उतना आपको पॉजिटिव स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है। तो एक लाइक मारो और एक अच्छा कमेंट करो, अगर आपको कुछ क्रिटिसाइज करना है, कुछ पूछना तो भी कमेंट करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।